नमस्कार कैसे हैं आप सब प्रिय दोस्तों मैं ओ पी यादव रियल टाइम अशोक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं दोस्तों रोहतक की तरफ से फिर एक एग्जाम्स को लेकर नई अपडेट सामने निकल के आ रही है कि छात्र संघ ने जो गेट के सामने धरना प्रदर्शन स्टार्ट कर दिया है कि फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जाए बिना परीक्षा के पास किया जाए जब अन्य जब अन्य प्रदेश के विद्यार्थियों को बिना परीक्षा के पास किया जा रहा है तो हरियाणा प्रदेश के विद्यार्थियों ने ऐसी कौन सी गलती कर रखी है कि उन्होंने उनको बिना परीक्षा के पास नहीं किया जा सकता इनको भी कोविड नाइन्टीन यानी कि कोरोना हो सकता है महामारी का दौर देश में चल रहा है इस बीच दोस्तों यहाँ आपके सामने एक नई अपडेट लेके आया हूँ रोहतक की तरफ से अपडेट है और यहाँ आप देख पा रहे होंगे मांगों के लिए महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय के गेट नंबर तीन के बाहर नारेबाजी करते हुए छात्र युवा संघ समिति के अध्यक्ष यहाँ आप इन सभी की फ़ोटो भी देख पा रहे हो दोस्तों कि छात्र संघ बहुत ही एक्टिव हो चुका है और यूनिवर्सिटी के खिलाफ निरंतर प्रदर्शन कर रहा है कि छात्रों को बिना परीक्षा प्रमोट किया जाए या फिर यदि आप परीक्षा लेना चाहते हो तो पहले हमारा सिलेबस कंप्लीट कराया जाए दोस्तों ये सेकंड फोटो आप देख पा रहे होंगे इसमें यहाँ छात्र संघ समिति पदाधिकारियों को समझाते हुए आनंद के रजिस्ट्रार प्रोफेसर गुलशन लाल तनेजा गुलशन गुलशन लाल तनेजा से बातचीत करते हुए छात्र संघ और छात्र संघ अपना जब बात है वह एक पत्र के माध्यम से इन्होंने इसके पास सौंपी है जो कि यूनिवर्सिटी के रजिस्ट्रार हैं प्रोफेसर गुलशन लाल उनसे बातचीत करते हुए दोस्तों ये न्यूज़ रोहतक की तरफ से ही प्रकाशित हुई है कोरोना महामारी में सरकार द्वारा छात्रों को परीक्षा लेने और छात्र युवा संघ समिति ने विरोध किया है छात्र युवा संघर्ष समिति के जिला अध्यक्ष लोकेश ने बताया कि कुछ समय पहले फाइनल ईयर के छात्रों को छोड़कर सरकार ने सभी छात्रों को प्रमोट करने का निर्णय लिया था लेकिन फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट ना करने के फैसले से छात्रों और अभिभावकों में भी रोष है लोकेश ने बताया कि फैसला फाइनल ईयर के छात्रों के साथ अन्याय है कोरोना काल में ना ही परिवहन की व्यवस्था अच्छे से चालू है और ना ही इस समय एग्जाम देने की पर्याप्त संसाधन है कोरोना के चलते छात्रों के जो सिलेबस है वह पूरा नहीं हुआ लोकेश ने बताया कि छात्रों के विरोध के बाद ही महर्षिद आनंद विश्वविद्यालय ने फाइनल ईयर के छात्रों के एग्जाम की डेट शीट अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर डाल दी है जिससे छात्र और अभिभावकों को चिंता सता रही है उन्होंने मांग की है कि नॉन फाइन फाइनल ईयर के छात्रों की तरज पर फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जाए यदि सरकार ऐसा नहीं करती है छात्रों को परीक्षा का बायकॉट करके संघर्ष करना होगा दोस्तों इनकी बात कुछ हद तक जायज है कोरोना किसी का रिश्तेदार नहीं है वह किसी को भी हो सकता है ऐसा नहीं है कि फाइनल ईयर के विद्यार्थियों के कोरोना के साथ अच्छे संबंध हैं और वो उनसे दूर रहेगा या कोरोना फाइनल ईयर के छात्रों को नहीं हो सकता सिलेबस कंप्लीट हुआ नहीं छात्र संघ की जो बात है जो मुद्दा है सौ सही है दोस्तों इन विद्यार्थियों को पास किया जाना चाहिए हमारा यूट्यूब चैनल स्टार्टिंग से इन विद्यार्थियों के साथ है और आपकी कोई भी अपडेट आएगी हम उस अपडेट को पहुँचाएंगे ट्विटर माध्यम से के माध्यम से भी हमने हैश टैग फाइनल ईयर पास करो के नाम से एक मुहिम छेड़ी थी आप हमारी उस मुहिम में शामिल होकर सीएम तक अपनी बात पहुंचाएं सीएमओ ऑफिस तक आप अपनी बात पहुंचाएं सीएम को ट्विटर करें सीएम ऑफिस के जो ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है उस पर दोस्तों ट्वीट करें और यूनिवर्सिटी तक इस बात को पहुंचाया जाए कि फाइनल ईयर के छात्रों को प्रमोट किया जाए दोस्तों इससे संबंधित यदि कोई नई अपडेट आएगी तुरंत आपको उसके बारे में जानकारी दी जाएगी फिलहाल हमारे पास यही अपडेट थी जो कि आप लोगों के साथ हमने शेयर की है आप हमारे चैनल सब्सक्राइब कर ले ताकि कोई नई नोटिफिकेशन आते है तो आप लोगों को उसके बारे में जानकारी प्राप्त हो सके